सावधान स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन का लेक्चर नंबर वन। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पेश आती है। हमारे पास जो है अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स हैं और उन 118 एलिमेंट्स की वन बाय वन स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और उनसे जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, उन कंपाउंड की स्टडी करना भी बहुत डिफिकल्ट है। यानी वन बाय वन उन मिलियंस ऑफ कंपाउंड की स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज देते हैं। उस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल का नेम देते हैं। उस टेबल के अंदर एलिमेंट्स को जो है वो रेगुलर ट्रेंड के साथ अरेंज किया गया है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसको पीरियोडिक टेबल अब क्यों कहते हैं, क्योंकि पीरियोडिक के मीन्स होते हैं रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। इस टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है, इसलिए इस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल का नेम देते हैं। और टेबल क्या होता है, टेबल इज एनी स्केयर और रेक्टेंगुलर फॉर्म। टेबल कोई भी स्केयर या रेक्टेंगुलर फॉर्म हो सकती है, जैसे कि ये स्केयर फॉर्म है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, दी पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क। पीरियोडिक टेबल एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क मीन स्पॉट, एक बेसिक स्पॉट प्रोवाइड करता है पीरियोडिक टेबल हमें। एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी के लिए दी पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी दी पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड्स। यानी एलिमेंट्स और उनकी उनसे जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी प्रोवाइड करने में एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वो पीरियोडिक टेबल। क्योंकि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होंगी उनसे जो कंपाउंड बनाए जाएंगे उनकी उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। जैसे कि हम कहते हैं कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, तो लिथियम और सोडियम के जो कंपाउंड होंगे उनकी प्रॉपर्टीज में भी जो है वो सिमिलैरिटी होगी। जैसे लिथियम से लिथियम क्लोराइड, ये लिथियम का एक कंपाउंड है, इसी तरह सोडियम क्लोराइड ये सोडियम का एक कंपाउंड है। और इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी जो है वो सिमिलैरिटीज होती हैं। और इनके इनसे जो इन कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सिमिलैरिटीज हैं। तो पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट्स की स्टडी जो है बहुत ही इजी हो गई है, बहुत ही सिंपल हो गई है। क्योंकि हम वन बाय वन उन सब एलिमेंट्स की स्टडी नहीं करते, बल्कि हम फ्यू एलिमेंट्स की स्टडी जो है वो करते हैं और बाकी एलिमेंट्स की स्टडी का हमें ऑटोमेटिकली जो है वो पता चल जाता है। और अब पीरियोडिक टेबल की ये तो मीनिंग्स हो गए पीरियोडिक टेबल की, कि इसको हमने पीरियोडिक का नेम क्यों दिया है पीरियोडिक टेबल का। अब इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, यानी इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे पीरियोडिक टेबल को। तो पीरियोडिक टेबल की फ्यू डेफिनेशंस गिवन है यहां पे। पहली डेफिनेशन है अ टेबल ऑब्टेंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। यानी वो टेबल जिसमें हम एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में अरेंज करके ऑब्टेन करते हैं, उस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल का नेम देते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम पीरियड्स का नेम देते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स का नेम देते हैं। और इस टेबल के अंदर जो इस टेबल के अंदर मैंने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये अल्फाबेट्स जो है वो एलिमेंट्स हैं, सपोज कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन क्या है पीरियोडिक टेबल की, सेकंड डेफिनेशन है द पीरियोडिक टेबल इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल जो है एलिमेंट की लिस्ट है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। द पीरियोडिक टेबल डिवाइड्स द एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड करता है। और पीरियड क्या होते हैं, पीरियड इज अ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट्स। पीरियड जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज होती है एलिमेंट्स की। हॉरिजॉन्टल रोज वो होती है जिनकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो, उसको हम हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं। और ग्रुप कहते हैं, ग्रुप इज अ वर्टिकल कॉलम। ग्रुप जो है वो वर्टिकल कॉलम है ऑफ एलिमेंट्स, वर्टिकल कॉलम जिसकी डायरेक्शन टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप हो, उसको हम ग्रुप का नेम देते हैं।